गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द 247 में आपका स्वागत है और मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं आपके आज के सेशन में। तो भाई जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे और भाई आज हम बात करेंगे आपके आज के नए क्वेश्चंस की जो आपके ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई ध्यान रखिएगा सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे, एंड तक जुड़े रहेंगे और भाई इस सेशन को जितना हो सकता है उतना आप लोग फटाफट से शेयर करते हैं सारे बच्चों के बीच में। तो विजय कुमार जुड़ चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ, वीरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, तो भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे फटाफट जुड़े रहेंगे हमारे साथ जिससे हम सेशन को लाइक और शेयर आपका होता रहेगा। तो भाई यहाँ पर आपका आप देख रहे हैं सर कि हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ला रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, डेली बेसिस पर क्लास चल रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को किसी तरह डाउट रहता था पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से किस कारण से भूकंप आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ज्वालामुखी के फटने से, या फिर उल्का पिंड के गिरने टकराने से, या फिर भूमिगत नाभि के विस्फोट से, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। देखा होगा सर आपने आए दिन आप जो है अर्थक्वेक के बारे में सुनते रहते हो, खासकर सर इस साल तो अर्थक्वेक दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत देखने को मिला है, थोड़ा हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं मिला, ठीक है, लेकिन सर देखने को मिला है, ठीक है। तो हम आए दिन ये कहानी सुनते रहते हैं कि भाई आज भूकंप वहाँ आ गया, आज भूकंप वहाँ आया, तो भाई आखिर भूकंप आता कब है, ठीक है, या इसकी क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो डी बनेगा सर, बता दूं मैं आपको, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो हमारा आंसर क्या है, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। पेन कहाँ गया भाई हमारा, तेरा। लेकिन सर इसमें एक रीजन और भी होता है जो सबसे ज्यादा मेन होता है जो नहीं दिया गया है, ये सारे रीजन तो हमारे हैं ही, ठीक है, लेकिन सर एक रीजन और होता है कि अगर हम बात करें अपनी पूरी पृथ्वी की सर, तो जो पूरी पृथ्वी होती है जो हमारी अर्थ है वो छह परतों में डिवाइडेड है, ठीक है, और वो जो छह परतें होती हैं वो सारी जो है घूमती रहती हैं, और जब वो आपस में टकराती हैं सर तो भूकंप के चांसेस उसमें सबसे ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि उस वो भी मेन रीजन है, और उसके अलावा ये जो रीजन दिए हुए हैं ये भी आपके मेन रीजनों में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनेगा ऑप्शन। देखो भाई नेचुरल डिजास्टर यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होती है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन प्राकृतिक जो आपदा नेचुरल डिजास्टर्स और फॉरेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर। तो कविता जी गुड इवनिंग, राधा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग, नितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, सर जी नमस्कार, सभी को भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई सारे बच्चे फटाफट जुड़ेंगे हमारे साथ, जितने बच्चे भी लाइव जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को भाई शेयर कर दो यार, ठीक है। अच्छा एक बात सर बता दो बेटा, अब आपकी जो टाइमिंग है वो हमारी 7 बजे की टाइमिंग है, 7 बजे की टाइमिंग फिक्स हो गई है, ठीक है। 7 PM हमारी आपके साथ क्लास हुआ करेगी डेली बेसिस पर, ठीक है। जो 6:30 वाला टाइम था वो अब बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, अदरवाइज 7 बजे ही क्लास हुआ करेगी। तो भाई टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चों को, टाइमिंग का कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, या फिर भूकंप का रेखीय रिकॉर्ड देखता है, या भूकंप का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई नहीं। इस सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बी या फिर सी या फिर डी। यस बताइए फटाफट से राधा क्या आंसर बनेगा यहाँ पर, सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाओ भाई। देखो टाइमिंग आपको पता है कि भाई हमारा 7 बजे शो हमारा शुरू हो जाता है, कल 6:30 बजे हुई थी, लेकिन अब हमारी क्लास एवरीडे क्या होगा टाइम 7 PM रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए टाइमिंग हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा सिस्मोग्राफ की बात आती है सर आपका, तो ये आपके भूकंप का रेखीय रिकॉर्ड मेजर करने में हम इसका यूज करते हैं, यानी कि सर ऑप्शन जो है बी जो होगा हमारा वो क्या बनेगा, इसका
राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और जो भूकंप का अध्ययन, अगर हम यहां पे इसकी बात करें, भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर यहां पे भूकंप के अध्ययन की बात हो रही थी, हो रही हो, तो क्या आंसर आता, सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जो रेखीय रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो क्या बन जाएगा यहां पर, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर यहां पर। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, तो देखो भाई यहां पर तंजानिया है, जापान है, इटली या चीन है। देखो ज्वालामुखी अगर हम बात करें सर, तो ज्वालामुखी होता क्या है पहले ये समझो जरा। कोई बच्चा बताएगा मेरे को थर्ड का आंसर क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा, बी बनेगा या सी? मेरा पॉइंट ये है कि जो बेटा आपका ज्वालामुखी होता क्या है, तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर एक खुला वो ओपन होल होता है, ठीक है, जिसमें से पिघला हुआ पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ निकलता, जिसे आप क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पिघला पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा। और ध्यान रखना इस ज्वालामुखी का जो कारण होता है ज्वालामुखी फटने का, आपको पता है सर कि पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है। ध्यान से समझिएगा पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं उसको समझिएगा। और बेटा कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, कॉपी व पेन लेके बैठे हैं, जो भी नई नई चीज लिखाता हूँ उसको तुरंत नोट करते चले साथ ही साथ। तो जो पृथ्वी के अंदर का तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं सर, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब कभी भी एक आपका जो छिद्र खुला हुआ मिल जाता है, होल खुला हुआ मिलता है, तो ये जो पिघला हुआ पदार्थ है बाहर निकलता है, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा यहां पर अगर देखा जाए बेटा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तंजानिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है आपका, जो ये जो ज्वालामुखी होता है इसको हम लोग डेड ज्वालामुखी कहते हैं, मतलब विलुप्त, ठीक है। कैसे कहते हैं, विलुप्त कह सकते हो, या मृत ज्वालामुखी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी फटने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके फटने की कोई संभावना नहीं है। एक ऐसे ही आपका नाम आता है पोपा, क्या नाम है, पोपा, जो म्यांमार में है, इसके भी फटने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे कुछ ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने की कोई संभावना नहीं होती है, और ऐसे जो ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, बहुत ही सक्रिय, या हम ये कह सकते हैं एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। ध्यान रखना बेटे बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस पर जो पढ़ रहे हैं वो विद एक्सप्लेन के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम लोग चीजों को भी साथ ही साथ डाउट क्लियर करते चलेंगे। तो बेटा सीमा हमारे जुड़ चुकी हैं, रिंकी हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जिन्हें समझेगा सर क्वेश्चन हमारे कम हो रहे हैं, तो सर कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ आपके जो डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो भी दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जो सक्रिय जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, ये आपको बता दें हम कि सबसे ज्यादा आपका एक नाम आता है एटना, अगर सुना हो आप लोगों ने तो, या फिर स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली, ठीक है। ये ज्वालामुखी आता है आपका, जो कि दोनों कहां पर है आपके, इटली में पाए जाते हैं, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और कहां मिलेंगे आपको, इटली में, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तड़ित चालक है, लाइटनिंग कंडक्टर इज, आपने सर देखा होगा बिजली कड़कती है ना, और बिजली कड़कती है सर, तो उसके बारे में कहा जाता है कि भाई जब तड़ित बिजली कड़कती है ना, तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से ठिंगाड़ी निकलती है, ठीक है, जिससे अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं भाई साहब। तो कब होता है ये, जब बादलों में, जब बादलों में आवेश, ठीक है, धनात्मक
और ऋणात्मक। ध्यान से सही सुनिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक इकट्ठा होने के कारण, ठीक है, इकट्ठा होने के कारण ये आपका बिजली चमकती है। तो ये धातु की छड़ है या अधातु की छड़ है, एक लंबी तार है या फिर एक प्रकार का बिजली उपकरण है? तो सर ये क्या है आपकी? एक धातु की छड़। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बोलते हैं। ठीक है, इसके गिरने से भाई जान मान की हानि होती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कई बार आ जाता है कि भाई इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, घर से निकलने से परहेज करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें इससे। ठीक है, और अगर एक कार या बस में बैठे हुए हैं आप, तो तुरंत खिड़की या दरवाजा जो है उसका, जो डोर है या शीशे हैं, उसको तुरंत लगा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, दिशा क्लियर है पॉइंट, ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। IUCN संबंधित है किससे है भाई? ब्लैक डेटा बुक से है, या फिर रेड डेटा बुक से है, या फिर ग्रीन डेटा बुक से है, या फिर येलो डेटा बुक से है? भाई यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन बनेगा आपका बी, रेड डेटा बुक से इसका संबंध होता है, जिसमें विश्व के, ध्यान रखिएगा, जिसमें विश्व के सभी सभी संघ जो विलुप्त जीव या फिर जो संकटमय प्राणी आपके जीव होते हैं, ठीक है, उन जीव जंतुओं का, उन जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? उन सभी जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, पौधे जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग डेटा बुक बनी हुई है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो जितने भी आपके संकटाग्रस्त या जो आपके विलुप्त, जो आपके गायब होने वाले जो जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतु वो हैं जिनकी जो संख्या है उनमें अभाव हो रहा है, कमी होती जा रही है, यानी कि पृथ्वी से क्या होते जा रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारी, आपने नाम सुना भी होगा कि वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए WWF संस्था भी बनाई गई है। हाँ, सीमा वो भी बढ़ाते हैं, बताएंगे आपको। आपसे कुछ आता नहीं है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरणीय संस्कारें प्रति के प्रति जागरूक करने हेतु तो क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो भाई ऑप्शन ए है आपका, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। किस तरीके से हम पर्यावरण के प्रति जो है बच्चों को जागरूक कर सकते हैं सर? दूसरा कैसा कहता है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, या फिर बच्चों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है? क्या ऑप्शन डी सही है, या ये सारे सही हैं? ए सही है, या बी सही है, या फिर सी सही है? बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका? ए होगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी बनेगा? तो बेटा यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारा वो डी बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऑल डिबेट कंपटीशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, पोस्टर प्रोडक्शन कंपटीशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोडक्शन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन कैन बी ऑर्गेनाइज ऑफ द ट्री, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस कैन बी डन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा आपका डी आंसर। भारत के किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? देखो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच इंडियन स्टेट इन शांत वैली सिचुएटेड? तो तमिलनाडु में है, या फिर केरल में है, या कर्नाटक में, या मेघालय में है? भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ध्यान रखना, पूछा जाता है जलमंडल पर आधारित क्षेत्र जो होते हैं,
उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर शांत घाटी पूछी गई है, तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, केरल में। जैसे नीलगिरी, नीलगिरी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो नीलगिरी आपकी कहाँ मिलेगी, आपको तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और केरल तीनों में आपको मिलती है, ठीक है। सुंदरवन पूछ लिए जाते हैं, सुंदरवन कहाँ मिलते हैं, सुंदरवन कहाँ मिलेंगे आपको सर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। मानस सुना होगा आपने, मानस नाम, ये आपको असम में मिलते हैं, असम में मानस, ठीक है। शीत मरुस्थल अगर ऐसे पूछ लिया जाए, शीत मरुस्थल कहाँ मिलता है, ठीक है, तो शीत मरुस्थल मिलते हैं बेटा आपको जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय पार्क कैबुल लाम जाओ किस राज्य में स्थित है, बताइए सर, क्या आंसर बनेगा यहाँ पर, ए होगा आपका केरल, या बी जम्मू कश्मीर, या फिर सी मणिपुर, या फिर डी नागालैंड, क्या आंसर बनेगा बेटा यहाँ पर आपका। पूछा गया क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, इसका नाम है कैबुल लाम जाओ, किस राज्य में स्थित है सर, तो बेटा आंसर बन जाएगा आपका सी मणिपुर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बताया संजय ने, सी होगा मणिपुर, बिल्कुल मनीषा का भी सही है, सीमा का भी सही है, प्रिया का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा सर, ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला जैव अंतर आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, या और भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो बताइए बेटा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस जीव का वो प्रोटेक्शन देता है सबसे ज्यादा, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बताइए रिंकी क्या आंसर बनेगा, सीमा, हाँ बिल्कुल सीमा आपका सही था, ठीक है, एट का, अब आपका नया नया आ गया है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है सर आपका, या वो बाघ के लिए, या फिर सफेद बाघ के लिए, या फिर एक सींग वाले गैंडा के लिए, तो भाई यहाँ पे बताना है आपको राइट आंसर क्या बनेगा, किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। तो देखो भाई अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्क की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके, खासकर यूपी टेट के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके का। तो देखो ध्यान रखिएगा, जो असम में मिलता है आपको राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, तो यहाँ पे नाम किसका आ रहा है आपका, काजीरंगा, है ना, ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है भाई आपका, प्रसिद्ध है, तो यानी कि ऑप्शन जो डी है वो क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें हाथी के लिए, बाघ और हाथी के लिए, इन दोनों के लिए अगर बात करें सर, तो बाघ हाथी के लिए हमारा जिम कॉर्बेट पार्क जो होता है, ठीक है, जो कि नैनीताल में, नैनीताल के पास उत्तराखंड में मिलता है ये, ठीक है, उत्तराखंड में होता है ये, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। एक आपको सुनने में आया होगा आप लोगों का जो है दुधवा पार्क, दुधवा, ठीक है, ये आपका लखीमपुर खीरी में आता है उत्तर प्रदेश में, जो कि बाघों के लिए प्रोटेक्शन देता है, कहाँ पे आता है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पार्क हैं, जैसे मैं नाम लेता हूँ अगर आपसे, तो आपने एक नाम सुना होगा सरिस्का, ठीक है, और ये सर आपको मिलेगा कहाँ पर, अलवर राजस्थान में, और ये जो है किसके लिए है आपका, बाघ के लिए, ये भी प्रसिद्ध है आपका प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। भगवान महावीर एक नाम आता है सर आपका, भगवान
महावीर, ठीक है, ये आपका गोवा में स्थित है, ठीक है। और ये जो भौंकने वाले हिरण होते हैं या उड़ने वाली गिलहरी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है ये, ध्यान रखना। भगवान महावीर जो है गोवा में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऐसे कई सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो आपके अलग अलग जानवरों के लिए संरक्षित करते हैं, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा चंद्र प्रभा जी के, जो चंदौली उत्तर प्रदेश में है और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका गहना पक्षी विहार जो भरतपुर में है राजस्थान में, पक्षियों के लिए सर प्रसिद्ध है आपका गहना, ठीक है, सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, लिख लो भले ही, गहना पक्षी विहार, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? भरतपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इनमें से किससे वनों का विनाश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट? किससे वनों का विनाश होता है? खनिजों का खनन करने से, बांधों और सड़कों का निर्माण करने से, शहरीकरण और औद्योगीकरण अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करने से? बताइए भाई क्या आंसर बनेगा यहाँ पर। बच्चों, सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है यार, देखो हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि उसको एक्सप्लेन करके देख भी रहे हैं, जिससे आपको वो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको उसका सही आंसर तुरंत दे रहे हैं आप। तो बेटा यहाँ पर क्या आंसर बनेगा बताइए। शिवानी शुक्ला जी, शिवा भाई, सारे बच्चों को बोल दो यार, सारे बच्चे टाइम से आ जाया करें यार, ठीक है, एंड तक आते हैं, मज़ा नहीं आता सर मुझे भी, ठीक है, मेहनत से क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और जो है यहाँ पर सारे बच्चे फटाफट से मैं सेशन को शेयर कर रहे हैं फटाफट से, ठीक है, 10 मिनट 10 सेकंड में फटाफट से शेयर करो सेशन को, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ जरा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, बाकी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10th का क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं सर? ठीक है, तो देखो बेटा 16 घास स्थल की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे सर? पश्चिमी घाट में, ठीक है, ये आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगे। भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जो घास स्थल होते हैं उन्हें हम लोग 16 घास स्थल कहते हैं सर, 16 कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी लगाइए फटाफट से इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत पूछ लीजिएगा सर, ठीक है। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हो गया। वाइल्ड एफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ठीक है, कहाँ स्थित है सर? ठीक है, अहमदाबाद में है, या फिर नई दिल्ली में है, या फिर कोयम्बटूर में है, या फिर देहरादून में है, कहाँ पर स्थित है सर आपका ये? तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? देहरादून, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो जो आपके स्टैटिक जीके को लेके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन पर हम लोग क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन जो समझाने वाली चीज होगी वहां पर आपको क्वेश्चन को समझा करके भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड बुक डेटा या रेड डेटा बुक जो है संबंध किससे संबंधित है? रेडिटा बुक रेडिट टू, हमने अभी देखा था, तो विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उससे संबंधित कौन सी है? रेडिटा बुक संबंधित है सर। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहेंगे तो आप लोगों को ये समझ लो कि हर क्वेश्चन एक बार नहीं, मैं दो दो तीन तीन बार करा दूंगा, ठीक है, और फिर देखो आप कहोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन का आंसर, तो आपको वैसे ही देख के लगा दोगे आंसर। आंसर ए बन गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं सर? बांदीपुर नेशनल पार्क में है, या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क? वेयर आर इज द इंडियन
जो आपके भारतीय गैंडा है वो कहाँ पर प्रिसर्व होते हैं, तो बेटा यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कोई पूछने का क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो रही है आपकी हर बार बदल रही है, तो ध्यान रखिएगा। जो बच्चे भी ऐसे हैं जिन बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ DSSB अगर कंप्यूटर साइंस का पेड बैच चाहते हैं, ठीक है, तो आपका वो बैच आ रहा है, ठीक है, आप यूज उसको देख सकते हैं, हमारे अड्डा 247 से ले सकते हैं। और अगर आपको DSSB का अगर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और उससे रिगार्डिंग हिंदी का, मैथ का, या फिर जो नॉन टेक बैच है वो लेना है वो भी ले सकते हैं, या Y184 कोड यूज़ करना होगा आपको उसके लिए, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, Y184 कोड यूज़ करेंगे तो आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरा अपना कोड है, ठीक है। आगे आते हैं सर, वन्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, वर्ष 1960 में, या फिर 1962 में, या 1972, या 1975 में, तो ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, 1972 में इसको क्या किया गया था सर, पार किया गया था, तो ऑप्शन जो सी है वो क्या बनेगा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है भाई। पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे एक विनती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब हुआ था सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर, क्या आंसर बनेगा बेटा आपका यहाँ पर, वर्ष 1972 में, इन द ईयर 1973। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं सर प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है, तो भाई ये आपका 1973 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट शेर की बात हो रही होती तो वो 1972 में जो है आपका प्रारंभ किया था, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिगेटर, ठीक है, ये आपका आरंभ हुआ था, जैसे हम घड़ियाल कहते हैं 1975 में, तो बड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, प्रोजेक्ट शेर, प्रोजेक्ट बाघ, ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी, गजमते, क्या बोला जाता है इसको, प्रोजेक्ट गजमते, जिसे हम लोग हाथी कहते हैं, भाई ये कब शुरू हुआ था आपका, ये आपका 1992 में, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया है आपको 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। क्लियर है पॉइंट, सीमा क्लियर है पॉइंट। देखो मनीष यहाँ जुड़े हुए हैं लाइव, प्रिया है, कृति श्रीवास्तव है, अमीन खान है, कल्लाय आप जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो भाई सभी का स्वागत है, और बच्चों को जोड़ो भाई जल्दी से ज़्यादा। ग्रीन इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन इंटरनेशनल, ग्रीन इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है आपका वो मिलेगा आपको सर आपका एम्स्टर्डम में, ऑप्शन सी लगाइए फटाफट से राइट आंसर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, गिर शेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, विस्तृत है सर, गुजरात में है, या महाराष्ट्र में है, या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पर है सर भाई बताइए राइट आंसर, ए होगा, बी बनेगा, या फिर सी बनेगा। तो भाई आपका जो गिर परियोजना है, आपकी गिर शेर परियोजना है, वो आपको कहाँ मिलेगी सर, गुजरात में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, फटाफट लगाइए राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है आपका यहाँ पर, WWF से क्या आशय है भाई, वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर वर्ल्ड वार फंड, ठीक है, तो भाई हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWC, और WWC की अगर बात की जाए सर तो हम जानते हैं कि इसको वन्य जीव अभयारण्य या फिर और राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के बनाया गया, ठीक है, एक ऐसी संस्था है ये, ठीक है, जो कि आपके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाई गई है, तो ऑप्शन जो है सी इज द फुल फॉर्म पूछी गई है। अच्छा कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है सर, ये आंसर भाई आप लोग खुद दोगे, क्योंकि तो इस आंसर को मैंने एक बार और डिस्कस किया है क्वेश्चन को, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, जब तक मुझे आप आंसर दीजिए।
एक क्या है, ज्वालामुखी है, और ये एक क्या ऐसा है, बिल्कुल जागृत यानी एक्टिव एक्टिव ज्वालामुखी है आपका ये, ठीक है। और ये आपका जो है, सबसे खास बात ये है कि ये भारत में आपको मिलता है, और कहाँ पर, एडीज पर्वत पर। तो जो ऑप्शन सी है, 20 का बी नहीं होगा बेटा, आंसर सी बनेगा बिल्कुल। यहाँ पर प्रवीण ने सी लगाया है, राधा का सी आया है, शिवानी ने सी लगाया है, कलाल का सी आया है, कृति ने एडीज सी लगाया है। वेरी गुड, सी बनेगा, ठीक है। देखो, एक तो बैरन, क्या नाम है, बैरन ज्वालामुखी ये, और ये आपका कोटोपैक्सी, दोनों ही आपके भारत में जो है, जो भारत के ज्वालामुखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर बन गया सी यहाँ पर। आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सर अभी बताया था मैंने, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, अलवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के कटाव के प्रमुख परिणाम बताइए भाई। वन्य जो होते हैं वो प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है, अगर उन्हें कटाव, उनको काटते हैं आप, तो जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, मृदा अपरदन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर अगर हम देखें सर, तो वनों की अगर बात आती है जब भी, तो बेटा वन आपके लिए कितने जो है महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छी से जानते हैं, क्योंकि तो वन एक तरीके से जस्ट लाइक, ऐसे हम इन्हें क्या कह सकते हैं, अपने हरे फेफड़े कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको एक नाम दिया जा सकता है अपनी भाषा में आप, ठीक है, फॉरेस्ट अवर ग्रीन लंग्स, ठीक है। क्यों कह सकते हैं सर, क्योंकि जो वन है हमारे मनुष्यों के लिए, उनका हमसे बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब वनों से ही हमें साग सब्जी, फल मसाले, औषधि, मकानों को बनाने के लिए लकड़ी, और जानवरों के लिए भोजन प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। वन ही नदियों से जल के प्रवाह को बनाए रखते हैं, और जल चक्र को नियंत्रण रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब वन मिट्टी के बहाव को रोकते हैं सर, मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है, और उसकी जो उर्वरता होती है उसको बनाए रखता है, कौन, वन। तो भैया अगर वनों को आप काटेंगे तो समझ लो भाई साहब, ये सारी परेशानियां आपके सामने आएंगी। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये ध्यान रखनी है बेटा, कि अगर आपको प्रकृति का, जो आज हम लोग भुगत रहे हैं ना, वो इसी का नतीजा है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए तैतीस प्रतिशत भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को बैठा लो। इसलिए भैया अपने आसपास पेड़ लगाओ, इसलिए आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, रोड बनते हैं वहां उनके किनारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमने जो पेड़ काटे हैं उनसे वहां पर उसकी पूर्ति हो सके, ठीक है। तो बेटा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, डी बनेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। केदारनाथ अभयारण्य, इनमें से किसके लिए जाना जाता है, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, या पक्षियों के लिए? केदारनाथ अभयारण्य भाई आपको बता दूं मैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है, पहली बात, और भाई साहब ये कस्तूरी मृग, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है, मस्क डियर जो होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा क्या बन जाएगा भाई, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक आता है डॉक्टर अली, नहीं अली नहीं, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, पक्षी विहार। तो भाई कहाँ पर है ये, ध्यान रखना बेटा, ये गोवा में है, गोवा में, और पक्षियों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना इस बात का, गोवा में है और पक्षियों के लिए है।
आगे बढ़ते हैं। तो डी आंसर हो गया भाई। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कल्टीवेशन इज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। चाय की भी है, रबड़ की भी है, शहतूत की भी है, या उपरोक्त सभी? तो बेटा आंसर बनेगा आपका डी यहाँ पर। ठीक है, तो भैया फटाफट से भाई सेशन को यार शेयर कर दो बच्चों, और सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो यार। ठीक है भैया, क्या है ये बताओ। ठीक है, इतनी प्यार से आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन तैयार कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के भाई प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। क्वेश्चंस आप लोगों को एक से एक अच्छे मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, डिस्कशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें आपका नेचुरल डिजास्टर, आपका यानी कि प्राकृतिक आपदा, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होता है, और जो फॉरेस्ट वन जो है उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है, इसलिए लाइव बने रहें, साथ बने रहें, सेशन को एंड तक जरूर देखें आप लोग। देखो मजा आएगा नहीं आएगा आपको। देखो भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बदले आपसे मांगते क्या है? एक लाइक और एक शेयर। ठीक है, और तो कुछ मांग नहीं रहे आप लोगों से। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक और शेयर एक कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, जल चक्र को नियंत्रित करता है कौन? घास स्थल, या फिर वन, या फिर प्लवक, या फिर उपद्रोही? ठीक है, एबव सारे। वो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा? वन। मैंने अभी आपसे कहा था कि वन जो होते हैं वो जल चक्र को प्रॉपर क्या करते हैं सर? नियंत्रण करके रखते हैं। जितने ज्यादा वन होंगे उतनी ही आपकी मृदा को, देखो वन क्या जल क्या करते हैं, पानी को अवशोषित कर लेते हैं जड़ों में, फिर पानी का वाष्पीकरण होकर के वो बादलों का निर्माण करने में ही सहायता करते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो फिर बादलों का निर्माण नहीं होगा, और बादलों का निर्माण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या हो पड़ेगी? सूखा होगी, और सूखा से बेटा हमारे जन तन और जितने भी आपके जो बाढ़ सूखा हो जाएगी तो खेती नहीं होगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, और फिर एक बार फिर हम लोग जो है नेचुरल आपदा में फिर हम लोग जो है मरने लगेंगे, जैसे अभी हो रहा है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या बनेगा आपका? बी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, पेड़ों की कटाई घटाती है। देखो अभी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, वर्षा को, मृदावर्धन को, भूस्खलन, या फिर सभी? तो अगर आप पेड़ों की कटाई करते हैं तो वो क्या घटाती है सर? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वो क्या घटाएगी? वर्षा। जो मैं आपसे कह रहा था कि जितने पेड़ कटाएंगे उतनी क्या होगी? बारिश कम होगी। देखो बारिश का कम होना भी खतरनाक है, और बारिश का ज्यादा होना भी खतरनाक है। ज्यादा होने से क्या होती है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़ होने से भी हमारी बहुत दिक्कत होती है, और कम पड़ने से भी क्या होता है सर? हमारा सूखा पड़ जाता है। इसलिए नेचर का, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसमें हम और आप ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा। पर्यावरण को बताने के लिए बार बार हम लोगों को क्यों बताया जाता है कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक रहें, पर्यावरण के प्रति आप लोग सचेत रहें। अगर आसपास आपका कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, वनों को काटने को लेकर के, खनन को लेकर के बहुत सारे एक्ट पास हो चुके हैं, पहले इतने एक्ट नहीं थे। ठीक है, क्यों पास किए जा रहे हैं? जिससे कि इनको रोका जा सके और हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का है, सवाना का है, टेंगा, या फिर स्टेपिज? तो भैया यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ए होगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया है आर्कटिक किसका दूसरा नाम है, तो भैया ये भाई क्या आंसर बनेगा? तो भाई यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो ध्यान रखना ए होगा। टुंड्रा जो है आपका इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन जो है ए लगाइए आप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फटाफट से ए आंसर लगा लो भाई। ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो भाई साहब, वनोन्मूलन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या फिर बृहद पौधारोपण, ठीक है, लार्ज प्लांटेशन, या फिर क्लीनिंग ऑफ रिजर्वाइजेशन यानी कि जलाशयों की सफाई। वो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर? ए बनेगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी, या फिर डी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है पर्यावरण संरक्षण से, तो भाई ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए भैया, वनों का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वन ही कट जाएंगे तो कहाँ वो आ गया पर्यावरण संरक्षण में। ऑप्शन जो है ए क्या बन जाएगा 28 का राइट आंसर बनेगा। डी कैसे बन जाएगा भाई 28 का बताना, ठीक है, आप वनों को काटोगे तो क्या वो पर्यावरण संरक्षण में आएंगे? नहीं आएंगे सर, ठीक है। हाँ, दिशा मौर्या का सही आंसर है ए होगा। अब आता सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो भाई आपका वन संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण, या जल संरक्षण, या मृदा संरक्षण। तो भाई सारे के सारे पर्यावरण की विषय वस्तु में वन आएगा, जल भी आएगा, मृदा भी आएगा, राजनीति का कोई काम नहीं है सर। ऑप्शन जो बी है वो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चंद्रमा, क्लियर पॉइंट बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन जो है सी बन जाएगा, सॉरी बी, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब, इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है भाई आपका? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या फिर सवाना बायोम। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो वनों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके जैसे शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है, इनकी अगर बात करें बेटा हम लोग शीतोष्ण पर्णपाती वन की, ठीक है, तो एक तो आपके इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो है आपको कहाँ मिलते हैं पता है? आपके चीन, उत्तरी पूर्व अमेरिका, ठीक है, और चीन, न्यूजीलैंड में मिलेंगे आपको ये। और इन वृक्षों की पत्तियां जो हैं वो क्या होती हैं? जल्दी गिर जाती हैं। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, हम आंसर क्या है? आंसर है इसका बी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि इन वर्षों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है सर, इन वनों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और ये जो वन होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ मौसम पूरे हर समय गर्म रहता है, और सबसे ज्यादा वर्षा होने का यहाँ पर रीजन, इसलिए यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो भी आपके अलग होते हैं। इनमें आप देखोगे सबसे ज्यादा जो तो वृक्ष मिलते हैं आपको यहाँ पर वो पता है कौन से मिलते हैं? आपके जैसे सिनकोना है, रबड़ है, बांस है, रोड वुड है, आबनूस है, ठीक है, इस तरह के जो वृक्ष आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। मैंने जो आपसे कहा था ना सिंकोना जो मलेरिया में आता है, ठीक है, सिंकोना, ठीक है, वो वृक्ष मिलता है आपको यहाँ पर, रबड़, ठीक है। और सर जो सबसे बड़ी बात ये है आपका कि एनाकोंडा जैसे विशाल जीव जो होता है, ध्यान से समझिएगा, एनोकोंडा जैसा विशाल जीव होता है वो इन्हीं वनों में आपको मोस्टली मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा आपका सर? बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिर वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस वन जीव का संरक्षण करता है? वही हमने अभी आपसे बताया था गिर के बारे में, जो गुजरात में मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है? गुजरात में। और भाई साहब ये एशियाई शेर जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है? ये संरक्षण करता है। तो ऑप्शन जो डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर बनेगा?
है सर। देखो भाई, फोन आए या कुछ भी आए सर, जब तक आपकी क्लास चलेगी तब तक तो आपका कुछ नहीं होगा। केवल तब तक तो एक ही काम होगा और वो रहेगी आपकी क्लास। ठीक है, अब आप लोग कितना हमें इम्पोर्टेंस देते हो, कितना आप लाइव रहते हो और लोगों को लेके आते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है पूरी पूरी। ठीक है, संध्या सुर चुकी हमारे साथ कलाल हैं, कृति हैं, कृति त्रिपाठी हैं, प्रवीण हैं, चंद्रमा हैं, ठीक है, शोभ यादव है, जितेंद्र सिंह है, दिशा मौर्या है, मोनिका सोनी है, रिंकी है, विक्रांत है। तो भाई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और भाई जितना हो सकता है बच्चों को यहाँ पर इकट्ठे किया करो। रेगुलर आप देख रहे हो ना बेटा, रेगुलर क्लास हो रही है हमारी, कोई क्लास मिस तो नहीं हो रही है। ठीक है, और डेली मैं आप लोगों की 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लेता हूँ। ये नहीं है कि 40 मिनट में ख़त्म कर दी, 30 मिनट में ख़त्म कर दी, 20 मिनट में ख़त्म कर दी। डेली बेसिस पर आपकी क्लास जो होती है 1 आवर से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत हमें दिखे यहाँ पर, कि हाँ आप लोग यहाँ पर हमें जो है आ रहे हैं हमारे साथ देखने के लिए, और बच्चों को लेके भी आ रहे हैं। जो बच्चे भी देखो ईवीएस में, मैं देख रहा हूँ सर कि कोई भी है जो है बहुत ही कम चैनल जो है क्लास चलाते हैं। ठीक है, तो बेटा टीचर सड्डा की पूरी टीम, टीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सुबह से लेकर शाम तक आपकी हर क्लास कराई जा रही है। ओके सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के वो का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है सर? फिजियोग्राफी, सिस्मोग्राफी, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? भाई यहाँ पे क्या आंसर बनेगा भाई आपका? बड़ा भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, रिएक्टर पैमाना भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और उसकी तीव्रता जो होती है ध्यान रखना भूकंप की, वो 2 से अगर देखा जाए 2 या 2 से कम तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट है ना। लेकिन सर अगर 5 से 6 के बीच में होती है तो चीजें हिलती हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर 6 से और 7 के बीच में है, ठीक है, तो भाई साहब बहुत नुकसान होता है। और अगर 7 से ऊपर चला गया तो भाई साहब फिर तो अत्यधिक विनाशकारी हो जाता है ये। ठीक है, संध्या पांडे जी आई अभी नहीं है उनकी क्लास। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा आपका? जो है बी बनेगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। तो ऑप्शन जो बी बनेगा हमारा क्या बन जाएगा भाई? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, फटाफट से लगाइएगा। असम प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस है, कांजीरंगा है, गिर जंगल है या फिर कान्हा किसली है? देखो भाई ये सारे जो है पूछे गए हैं। ठीक है, और रीजन ये है कि ये आपके जो है असम में है, तो हम जानते हैं कि कांजीरंगा जो है यहाँ पे हमारा क्या बनेगा भाई? राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो फटाफट ऑप्शन लगाइए, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका फिर आ गया, तो ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा सर। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? और ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। ठीक है, तो भाई वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा क्या लगा रहे हैं बच्चे? ए, वेरी गुड, 36 का ए बनेगा। जिम कॉर्बेट पार्क को ही हम लोग पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो जो उत्तराखंड में स्थित है सर, नैनीताल के पास। ठीक है,
ये जब क्वेश्चन आता ना तो ऐसा लगता है बोले अपनापन सा, क्यों पता है? यहाँ घूम आए हम लोग एक बार। भाई देखो पर्यावरण की विधि भी यही कहती है, जब एक बार आप कहीं घूम आते हैं तो उस चीज़ का आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ऐसी हो जाती है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो भ्रमण विधि जो होती है पर्यावरण शिक्षण नीति के अंदर, वो सबसे उत्कृष्ट विधि मानी गई है, सबसे अच्छी विधि मानी गई। कौन सी? भ्रमण विधि। जो आप घूमते हैं जहाँ जहाँ घूम आए समझ लो एक बार भी फिर नहीं भूलते उसको आप। ठीक है सर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिएक्टर पैमाने से तीव्रता नापी जाती है सर, ज्वालामुखी की, भूकंप की, या सुनामी की, चक्रवात की? तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा क्या? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो जो मैं आपको बता रहा था अभी वो रिएक्टर के बेसिस पर आपके पॉइंट बनते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को, कोई भी कन्फ्यूजन कैसा भी? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है सर आपकी? WHO, या फिर IUCN, या फिर UNICEF, या फिर कौन सी है इसमें से? तो भैया यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए, IUCN जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, यूनियन है। तो ऑप्शन जो है 38 का आंसर बन जाएगा आपका ए। तो जिन बच्चों ने आंसर ए लगाया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लगाया है वो समझ लीजिएगा ए इज द राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। यहाँ पे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आंसर हो रहा है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। तो वो पर्यावरण मित्र होता है या पर्यावरण श्री या तरु मित्र या वृक्ष क्षेत्र? वही यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? ए होगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी होगा, या फिर डी बनेगा? बड़ा यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी आपका, वृक्ष क्षेत्र, वृक्ष मित्र जो है यानी कि ट्री फ्रेंड के नाम से उसको पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी लगाइए फटाफट से राइट आंसर। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी सर? तो हम यहाँ जानते हैं कि भाई ऑप्शन ए 1973 में आपकी शुरुआत हुई थी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की। इनमें से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में है, या तमिलनाडु में है, या अंडमान द्वीप में है, या पश्चिम बंगाल में है? क्या आंसर बनेगा भाई यहाँ पर आपका? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार? भाई मेरे पास यहाँ पर आंसर आना शुरू हो रहा है 41 का, ए या फिर डी? भैया यहाँ पर आंसर बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, बी, तमिलनाडु में आता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी लगाइए फटाफट से राइट आंसर 41 का। यहाँ पर देखो भाई जैसे सी लगा रहे थे, ठीक है, डी भी लगा रहे हैं, कृति श्रीवास्तव का सबसे पहला आंसर आया मेरे पास तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? देखो भाई साहब घूम फिर के फिर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, डबल तरीके से घुमाया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? भाई यहाँ भी क्या बनेगा? ऑप्शन जो है बी, यहाँ पर अब ए नहीं होगा, क्या कर दिया उन्होंने? बी आंसर कर दिया, यानी कि UNDP। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस जनपद में चंद्रमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी है, चंदौली है, लखनऊ के वाराणसी? किस जनपद में चंद्रमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है सर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा यूपी टेट के लिए। तो आंसर ए बनेगा या बी बनेगा या फिर सी बनेगा? लखीमपुर खीरी कहाँ आता है? यूपी में आता है, चंदौली भी यूपी में है, लखनऊ भी, वाराणसी भी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? चंदौली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 43 का भी क्या होगा बेटा? बी आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, आज ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल तैयार कर लोगे। और बेटा मैं फिर कह चुका हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर आ रहे हैं वो सारे बच्चे वन लाइन ईयर बनाते जाइएगा अपनी कॉपी में लिखते हुए। PDF आपको इसकी मिलती जा रही होगी, कल की क्लास की PDF आप लोगों को मिल गई होगी, कल की क्लास की PDF चाहिए आप लोगों को। तो जो कल क्लास हुई है मेरी, आप हमारी 12th
प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर टीसीएस अड्डा वाले पर जाकर के वीडियो में जाकर के आप वहां से मेरी कल की वीडियो ले सक देख सकते हैं। जैसे भी क्लिक करेंगे आप नीचे वहां पर गेट पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप लोगों को मेरी क्लास की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि हर क्लास का पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। बस करना है कि आप लोगों को अपनी कॉपी में उसको वन लाइन ईयर के फॉर्म में लिख लेना है विद आंसर। ये आपका काम रहेगा, ध्यान रखिएगा इस काम को आप करेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई। नेक्स्ट सर आपका आंसर आता है रांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सर रांची ग्राम हिमाचल प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर सिक्किम में है। तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में रांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन जो है क्या बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ पर स्थित है। आपका जम्मू एंड कश्मीर में है या फिर तमिलनाडु में है या फिर पश्चिम बंगाल में है या फिर केरल में है। तो ऑप्शन ए बनेगा आपका या बी बनेगा या फिर सी बनेगा या फिर डी बनेगा। बताइए बच्चों फटाफट से भाई राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर। तो भाई देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पास जुड़े हुए हैं। कृति ने बी लगाया है भाई, आंसर 46 का देना है। तो बच्चा केरल आंसर क्या बनेगा आपका, केरल बनेगा। ऑप्शन जो है डी लगाइए फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर। देखो भाई शांति घाटी की बात हो रही है, ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जीव जंतु की जो बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम सर, तो शांति घाटी में ही पाई जाती है। इसका ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जीव जंतु, ठीक है, बायोडायवर्सिटी शांत घाटी में केरल में, कहां पर था ये, केरल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना है इसको अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। लो भाई एक और तरीके से क्वेश्चन आ गया घूम फिर करके। ये तो श्वेत डेटा बुक है या फिर रेड डेटा बुक है या फिर नीले डेटा बुक है या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर बनेगा बेटा यहाँ पर आपका, बेटा यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बिना आंख देख करके आप, यार ये क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ अब आप कभी भूलोगे नहीं यार। ठीक है, कई तरीके से भी आ जाए किसी तरीके से आ जाए आपके पास इसका आंसर जरूर होगा। तो रेड डेटा बुक इज द राइट आंसर। ठीक है सर, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी हो गया। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। भाई हम अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो भारत पर जो हम भूमि की बात करते हैं तो सर वो मिलते हैं आपको 19.47%। ठीक है, जो कि हमारा भारत में इसका क्या है, ये विश्व में 10वां स्थान था। ठीक है, अभी करंट में देख लीजिएगा क्या है, लेकिन 10वां है और चौथा हमारा एशिया में है। रूस सबसे पहले नंबर पर आता है सर, जो बहुत ज़रूरी है, वनों वनीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा भूमि पर वन होंगे उतनी ही हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा सर। ठीक है, तो ये आप लोगों की और हमारी दोनों की मिलकर की जिम्मेदारी है, किसी एक भारत सरकार की नहीं है कि यहाँ भी मोदी लगाएंगे सर, मोदी ही आएंगे, बस मोदी का काम है, मोदी की सरकार है। ठीक है, हम हर बात पर केवल मोदी जी को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, समझ रहे आप। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड़ पौधे प्रदूषण को उठाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को या फिर नाइट्रोजन को।
पूनम रूबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप टाइम से जल्दी आया करो, जिससे कि हम आप लोगों को पूरा जो मेहनत करते हैं वो आप सब तक पहुंचा करें। बेटा यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या करते हैं भाई, ऑब्जर्व करते हैं, और O2 को उसका उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन जो है हमारा O2 क्या बनेगा, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं। ठीक है सर। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, तो ऑप्शन जो डी है हमारा क्या बन जाएगा भाई, राइट आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, डी, रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या बनेगा बेटा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका, मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश प्रमुख लक्षण है क्या है सर, उष्णकटिबंधीय का प्रमुख लक्षण, वर्षा, गर्मी का रहना, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी रहना, साल भर अधिक ठंडा जाड़ा या ठंड रहना, या ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी रहना। तो ट्रॉपिकल रीजन आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू वेदर, थोड़ा इसका आंसर बनेगा हमारा क्या, भारी वर्षा होना और गर्मी भी अच्छा खासी रहना। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा वो ए क्या बनेगा यहाँ पर, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है भाई। वाह, ये गौरव किस राज्य को मिला है भाई, राजस्थान को मिला है या पश्चिम बंगाल को मिला है या गुजरात को कहा जाता है या फिर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो भैया हमने सुना होगा, आपने याद किया होगा कि भाई आपका आसन क्या बनेगा, आपका यहाँ पर डी बनेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भाई, हाँ MP है, इनके मुख्यमंत्री कौन है, उनकी राजधानी कहाँ है, वो भाई शिवराज सिंह चौहान, जाने माने पहचाने चेहरे हैं, लगातार बने चले आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी इनकी CM की लगी हो। ठीक है, और भोपाल इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है सर, वह ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए आप लोगों से। ठीक है, कल हम लोग, संडे है आपका, और कल फिर आपके साथ हमारी मैराथन क्लास होगी शाम को 7 बजे। ठीक है, यानी कि 7 बजे हम आपसे फिर कल मिलेंगे भाई, तो आना ना भूलिएगा हमारे साथ, 7 PM कल फिर मिलेंगे। तो प्रॉपर क्या करना है आपको बेटा, Y184 कोड यूज़ करना है। अगर आप कोई भी UP TET CTET कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो भाई साहब Y184 कोड करें, और DSSB का हमारा यहाँ पर हर बैच का, हिंदी का, मैथ का, कंप्यूटर साइंस का, हर सब्जेक्ट का आपके पास कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। ठीक है, क्योंकि वो का सारे के सारे पेड बैच केवल और केवल उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें पेड बैच चाहिए। ठीक है, तो भाई आप सारे बच्चों का प्यार, सारे बच्चों का सपोर्ट हमें ऐसे मिलता रहे, तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।